और डीएनए में अब हम पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य मणिपुर की परेशानियों का एक जरूरी विश्लेषण करेंगे। पिछले 56 दिनों से मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन हो सकता है आप तक ये खबर ना पहुंची हो। दिल्ली से मणिपुर की दूरी करीब 2400 किलोमीटर है, लेकिन ये एक विडंबना है कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें दिल्ली तक पहुंचने में 56 दिनों का वक्त लग जाता है। ये दिल्ली में एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज चैनल्स का दोहरा रवैया है, जिस पर आज हम एक संवाद आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मणिपुर में हुआ क्या है। मणिपुर में पिछले 56 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी चल रही है। यहां प्रदर्शनकारियों ने 3 नेशनल हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से मणिपुर में हालात बिगड़ गए हैं और लोगों को रोजमर्रा का जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे नंबर 2 को ब्लॉक कर दिया है। यह हाईवे नागालैंड के दीमापुर को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जोड़ता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 37 भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह हाईवे मणिपुर के जिरीबाम को इम्फाल से जोड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे नंबर 202 को भी ब्लॉक कर दिया है और यह हाईवे मणिपुर के उखरूल को इम्फाल से जोड़ता है। इस आर्थिक नाकेबंदी का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ा है। इस नाकेबंदी की वजह से मणिपुर के कई इलाकों में अब रोजमर्रा की जरूरत के सामान का संकट पैदा हो गया है। नाकेबंदी होने की वजह से कोई भी सामान अब नहीं पहुंच पा रहा है। खुफिया एजेंसियों की आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मणिपुर के अलग अलग हाईवेज पर 765 ट्रक और तेल के टैंकर्स फंसे हुए हैं। इन वाहनों में खाने पीने का जरूरी सामान, सब्जियां, फल, दूध और दवाइयां हैं। और यही वजह है कि मणिपुर में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल आजकल 350 रुपए का मिल रहा है, जबकि 1 LPG सिलेंडर 2000 रुपए तक में बिक रहा है। सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। मणिपुर में आलू 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और प्याज 50 रुपए किलो के दाम पर बिक रहा है। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों की भारी कमी है और मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि ये प्रदर्शनकारी कौन है और यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हो रहा है। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी UNC ने 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी की हुई है। मणिपुर में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने 8 दिसंबर को मणिपुर में 7 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने सरकार के इस ऐलान से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया था और कई जगह आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी इस फैसले के विरोध में, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग नए जिले बनाने का फैसला ले लिया गया। यूनाइटेड नागा काउंसिल इन 7 जिलों के बनने से इसलिए नाराज है क्योंकि नए जिले बनने से नागाओं का प्रभुत्व इन इलाकों में कम हो जाएगा और इसका फायदा कांग्रेस की मौजूदा सरकार आने वाले चुनावों में उठा लेगी। यहां आपको मणिपुर के जातीय और चुनावी समीकरण भी समझने चाहिए। मणिपुर में प्रमुख तौर पर 3 समुदायों के लोग बसते हैं। पहला है मैती, कुकी और तीसरा नागा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह मैती समुदाय के हैं और मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन नए जिलों की घोषणा कर दी ताकि चुनाव में उन्हें फायदा हो सके। यूएनसी का यह कहना है कि नए जिलों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे इन जिलों में नागाओं की संख्या कम हो जाएगी और मैती समुदाय का प्रभुत्व यहां पर बढ़ जाएगा, जो चुनावी गणित के लिहाज से कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर का 10% इलाका घाटी का है और इस इलाके में 40 विधानसभा सीटें हैं। इन इलाकों में मैती समुदाय के लोग बसते हैं। मणिपुर में बाकी 90% इलाका पहाड़ी है और वहां नागा और कुकी जनजातियों के लोग बसते हैं, लेकिन इस 90% इलाके में सिर्फ 20 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि मणिपुर सरकार इन 7 नए जिलों को बनाने के पीछे अपने कारण और अपने तर्क दे रही है। उनके क्या तर्क हैं ये भी आपको बताते हैं। राज्य सरकार के मुताबिक कई छोटे छोटे जिले बनने से सरकार के कामकाज आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे और इसका फायदा आम जनता को होगा। हालांकि इस बीच यूएनसी की नाकेबंदी की वजह से मणिपुर में हालात बहुत खराब हो गए हैं। गृह मंत्रालय मणिपुर के हालात पर नजर रखे हुए है और अब तक करीब 18,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को
केंद्र सरकार मणिपुर में भेज चुकी है। इन जवानों से कहा गया है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर नेशनल हाईवेज को दोबारा खोला जाए। ऐसे हालात में जी न्यूज ने मणिपुर में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ताकि सच आपके सामने आ सके। यहां जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो ये है कि अगर ऐसे ही हालात पूर्वोत्तर भारत की बजाय भारत के किसी भी और हिस्से में हुए होते, किसी और राज्य में, किसी और शहर में ऐसा हुआ होता तो अब तक पूरे मीडिया में शोर मच गया होता। मीडिया में आपको बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखने को मिलती। सच ये है कि मणिपुर की खबरें मीडिया इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इन खबरों में ग्लैमर नहीं है, किसी बड़े आदमी का नाम नहीं है, इसमें कोई वीआईपी, कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता भी शामिल नहीं है। इसलिए मीडिया तक ऐसी खबरें ना तो पहुंचती हैं और ना मीडिया उनमें कोई दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन जी न्यूज ने हमेशा भारतीय मीडिया की इन कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की है और ऐसा हम खुलकर आपके साथ आपकी वजह से करते हैं ताकि आप तक ऐसी खबरें पहुंच सकें। और इसलिए आज हम मणिपुर में रहने वाले आम भारतीय लोगों की परेशानियों के बारे में पूरे देश को बता रहे हैं। हंगामा, आगजनी और खून खराबा, पिछले 56 दिनों से मणिपुर के यही हालात हैं। 9 पहाड़ियों से घिरे खूबसूरत मणिपुर में लाखों लोगों की जिंदगी पर संकट छा गया है। लोग परेशान हैं क्योंकि रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं। कर्फ्यू से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। यहाँ पर आकर के अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के किस तरीके से लोगों के यहाँ पे हाल हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जगह जगह रोड ब्लॉक किए गए हैं, ऐसी वजह से ज़रूरी चीज़ें यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो हम इस वक्त ग्राउंड जीरो में हैं, मणिपुर के लोगों का हाल हम आपको बताएंगे। पेट्रोल 1 लीटर पे 200-250-300 तक हो जाता है। यहाँ पर कोई सामान मिल नहीं रहे, अगर खरीदना भी चाहते तो More than 100% we have to pay. प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, इसलिए जो अभी का मौसम में तो कोई भी प्रॉब्लम तो बहुत हो चुका है। थोड़ा क्या बोलता है, थोड़ा देखभाल करने से थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा प्रॉब्लम के लिए अब मुश्किल तो बहुत हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, ना कुछ खाने पीने के लिए सामान का दिक्कत हो रहा है। अभी के लिए सरकार का तरफ से थोड़ा रास्ता को क्लियर करने से बहुत अच्छा होगा। नाकेबंदी से मणिपुर में कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है तो LPG भी 2000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। आलू 100 रुपए प्रति किलो तो प्याज भी 50 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर मेडिकल सुविधाओं पर हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाइयों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम इम्फाल के मुख्यमंत्री जो निवास है उसके पास खड़े हैं और शहर में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह कर्फ्यू लगाए गए हैं। इसकी वजह से बाज़ारों में ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि मणिपुर की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से चाहे टैंकर हो या गैस सिलेंडर्स हो या सब्जियां हो, तमाम चीज़ें यहां पर पहुंच नहीं पा रही है और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि यहां के हालात सुधरें। जगह का ब्लॉक करने से और जो भी नहीं मिलता है खाने पीना के, वो मुश्किल हो रहा है। सोल्यूशन चाहता है, यहां में शांति का सख्ता सुप चाहता है। बहुत परेशान हो रहा है, अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 1 लीटर में वो 150 का भी हो रहा है और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमें दूर जाया है ना, तो उसके तेल लगाने में बहुत हो रहा है। एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले हफ्ते NSCN कैडर के हमले में कम से कम 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए। इसके बाद नाकेबंदी के विरोधियों ने बीते रविवार को 20 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी। इम्फाल पूर्व जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। सरकार ने अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी हैं।
राज्य के हालात संभालने के लिए केंद्र ने वहां अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों को भेजा है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहाँ मामला गंभीर है, लेकिन भारत सरकार के लिए तो सब बराबर है। भारत सरकार गंभीरता से ले रहे हैं और मणिपुर राज्य सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। हम लोगों ने संपर्क भी किया, हमारे अधिकारी लोग वहाँ ज़मीनी जो परिस्थिति है उसका भी जानकारी लगातार लेते रहे हैं। इम्फाल में इस वक्त हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग कम आ रहे हैं। काफ़ी दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे चिट्ठी भेजना हो या पैसे निकालना हो या यहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आते हैं और अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। लेकिन जिस तरीके से शहर के हालात हैं, अब काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम है। मणिपुर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब भी यहाँ पे कोई भी बात होती है, किसी तरीके का प्रदर्शन होता है, तो सभी जो हाईवेज़ हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और जब हाईवेज़ ब्लॉक होते हैं तो मणिपुर पूरी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। मणिपुर इतना अशांत क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल नागा संगठनों के विरोध और हिंसा के बावजूद मणिपुर सरकार ने 9 दिसंबर को 7 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। 7 नए जिलों के जुड़ने से मणिपुर में कुल 16 जिले हो गए हैं, लेकिन मणिपुर की नागा जनजाति नए जिलों के गठन का विरोध कर रही है। नागा संगठनों का तर्क है कि सरकार नए जिलों के गठन की आड़ में उनकी जमीन हड़पना चाहती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर ब्लॉकेज हाईवे पे करता है तो सबको प्रॉब्लम होता है, तो कहते हैं गवर्नमेंट उस पर थोड़ा क्या ध्यान आ जाता है। नहीं तो यहाँ पर बंद करो, यहाँ पर प्रोटेस्ट करो, धरना करो। आप जाते हैं कि शर्मिला फॉर 12 ईयर्स शी वॉज फास्टिंग, नो वन केयर्स, बट वी ब्लॉकेज फॉर 10 डेज, देन एवरी वन गो हेज। दैट्स वाई एवरी वन आइदर मे बी फ्रॉम ट्राइवेन फॉर गो, everyone try to blockade the highway only. There's the solution they think, but it's not a solution. It brings the what to say, it brings problem to only common people only. Government don't have to worry about that. कब से हटाएंगे, कल से या परसों से, ये बात नहीं बताता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा मन मूड खराब हो जाता है। तो ऐसा जिस टाइम से कल से या परसों से इकोनॉमिक ब्लॉकेट हटाएंगे, ये बात बोलने से हम लोग बहुत खुशी होंगे। अगले साल फरवरी में मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समझा जाता है कि जिलों का गठन कांग्रेस सरकार ने चुनावी फायदे के लिए किया है। कांग्रेस के ओकराम इबोबी सिंह को उम्मीद है कि 7 नए जिलों के गठन से उन्हें फरवरी में चुनावी लाभ मिलेगा, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि मणिपुर में लोगों की परेशानी से किसी को राजनीतिक लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। अब नए जिले बनाना नहीं बनाना ये तो केंद्र सरकार निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये तो राज्य सरकार करते हैं। उस निर्णय को वहाँ के नागा लोगों ने उसका अपोज किया, जिसके चलते ये जो अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ, ये समस्या हमने खड़ी नहीं किया ना। राज्य सरकार को सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक समस्या सामने में आया है। जिन्होंने समस्या खड़ा किया वो समाधान भी ढूंढना चाहिए। हम लोग तो पूरा समर्थन करेंगे। केंद्रीय बल की टुकड़ियां भेजने से मैतेई और नागा समुदाय के बीच बढ़ती खाई और बढ़ती जा रही है। दोनों समुदायों के बीच आपसी भरोसा पैदा करके ही मणिपुर की अशांत वादियों को शांत करने में कामयाबी मिल सकती है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, इम्फाल। यहाँ पर आपको मणिपुर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना जरूरी है। मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना था, उससे पहले ये एक रियासत हुआ करती थी। मणिपुर को राज्य का दर्जा 1972 में मिला। पूर्वोत्तर भारत का ये छोटा सा राज्य भौगोलिक दृष्टि से, जातीय और सांस्कृतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है। मणिपुर में 90% इलाका पहाड़ी हिस्सा है और ये हिस्सा 5 जिलों में बटा हुआ है। मणिपुर का दूसरा हिस्सा घाटी का है, जो नागा आबादी वाले पहाड़ों से घिरा है और ये राज्य की भूमि का केवल 10% है, लेकिन इसकी आबादी पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियों से अधिक है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग कैथोलिक हैं, जबकि घाटी की बड़ी आबादी हिंदू है, जिनमें वैष्णव हिंदू अधिक हैं। इन्हें मैतेई समुदाय के नाम से भी जाना जाता है।
लंबे समय से मणिपुर में घाटी और पहाड़ के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास देखने को मिला है, लेकिन गंभीर हिंसा उस समय होती है जब पहाड़ों पर रहने वाले नागा और दूसरी जनजातियों के लोग ये महसूस करते हैं कि राज्य सरकार उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है या ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे सदियों पुरानी उनकी सभ्यता खत्म हो सकती है। नागा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हमेशा से यह आरोप रहा है कि राज्य सरकारें किसी न किसी बहाने से पहाड़ों पर सेंध मारना चाहती हैं और उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती हैं। ताजा हिंसा के पीछे पहाड़ और घाटी की कश्मकश है। मणिपुर में राज्य सरकार ने 7 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसके विरोध में नागा संगठनों ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की हुई है। इस टकराव की वजह से मणिपुर में आम जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे तमाम दर्शक लगातार हमसे ये शिकायत करते हैं कि वहां की खबर दिल्ली की मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती, यानी वहां की खबरें यहां तक नहीं पहुंचती, देश इन राज्यों के बारे में कुछ नहीं जान पाता। हमने बार बार उनकी ये शिकायत दूर करने की कोशिश की है। आपको याद होगा हमने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश से रिपोर्टिंग की थी, मैं खुद अरुणाचल प्रदेश गया था और वहां के लोगों की भावनाओं को आप तक यानी पूरे देश तक पहुंचाया था। इसके बाद अब हमने मणिपुर के हालात को आपके सामने रखा है। हमें लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि हम और आप हैं, और उनका भी हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर उतना ही अधिकार है जितना कि किसी भी और भारतीय का है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो। हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी, मणिपुर को छोटा और महत्वहीन राज्य समझती हैं, क्योंकि वहां सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं। हमें लगता है कि ये आकलन बिल्कुल गलत है और ये भेदभाव वाली राजनीति है। हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टियों को, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को पूर्वोत्तर की तरफ देखना चाहिए, उनके लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहिए और वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना महत्व वो ऐसे राज्यों को देते हैं जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है।